आज मैं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत प्रपत्र 1 के माध्यम से शिकायत केंद्र पर या डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हम लोग अपना शिकायत फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे हम लोग आवेदन लिखा करते हैं सेवा में श्रीमान, यदि शिकायत अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी की जाती है तो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अपने अनुमंडल का नाम लिखेंगे, उसके बाद जिला लिखेंगे। यदि जिला स्तर की शिकायत की जाती है तो हम लोग लिखेंगे सेवा में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम परिवादी का नाम लिखेंगे या शिकायतकर्ता का नाम लिखेंगे। दूसरे नंबर में शिकायतकर्ता के पिता का नाम लिखेंगे। तीसरे नंबर में अपना पूरा पता लिखेंगे, जैसे ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, अनुमंडल और ज़िला, तथा अपना पिन कोड अवश्य डालेंगे। उसके बाद तीसरे कॉलम के कौन नंबर में अपना मोबाइल नंबर भी अवश्य दे देंगे। ख नंबर में अपना ईमेल दे सकते हैं अगर उपलब्ध हो तो। ग नंबर में अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। चार नंबर में हम लोग भरेंगे परिवाद कि हम लोगों को जो लाभ या राहत चाहिए, क्या लाभ चाहिए, किस चीज़ के लाभ लेने के लिए हमें कोई पदाधिकारी या किसी कार्यालय के कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, उसके बारे में लिखेंगे क नंबर में कि मुझे क्या लाभ चाहिए। जैसे अगर अंचल कार्यालय से कोई नकल नाम मिल रहा हो उसका वर्णन कर सकते हैं, या भूमि नापी से संबंधित अगर कोई समस्या हो, भूमि मापी नहीं की जा रही है तो वो डाल सकते हैं। अगर किसी को कोई थाने से संबंधित समस्या हो, जैसे FIR दर्ज नहीं किया जाता है या सनहा दर्ज नहीं किया जाता या कोई और समस्या हो या दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वो सब वर्णन हम लोगों को चार नंबर के क नंबर में डिटेल से भरेंगे। यदि बड़ी पेज लंबा हो जाए या अधिक शब्द हो तो आप उसमें अलग से एक पन्ना में लगाकर उसको भर सकते हैं। चार के ही ख नंबर में हम लोगों को भरना है पदाधिकारी और विभाग का नाम जिससे संबंधित परिवाद दर्ज हो। जैसे अंचल कार्यालय से अगर संबंधित परिवाद है तो उसमें अंचल कार्यालय, अंचल का नाम, पूरा पता देंगे। अगर प्रखंड कार्यालय से संबंधित कोई शिकायत हो तो उस प्रखंड कार्यालय का नाम, पूरा पता डालेंगे। अगर थाना से संबंधित कोई शिकायत हो तो थाना का नाम, पूरा पता, अपना जिला सहित डालेंगे। यदि कोई और कार्यालय से कोई संबंधित शिकायत हो तो उस कार्यालय का पदाधिकारी या कार्यालय का नाम, पिन कोड सहित लिखकर उसमें भर देंगे। पाँच नंबर में हम लोगों को भरना है दस्तावेज का ब्यौरा। कहने का मतलब है कि जिससे संबंधित शिकायत हो उसके समर्थन में, आपके समर्थन में जो डॉक्यूमेंट्स है उसका ब्यौरा देना है। जैसे आपने अंचल कार्यालय में इन्फॉर्मेशन लेने हेतु एक आवेदन भरा, उस आवेदन का फोटोकॉपी अपना रखेंगे, या नकल हेतु आपने जो आवेदन दिया है या दाखिल खारिज हेतु जो आवेदन दिया है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, या FIR दर्ज करने हेतु जो आवेदन दिया था उसकी कॉपी, या किसी भी सेवा जो आपने कार्यालय में प्रदान किया था
प्रेषित किया था उसकी छाया प्रति होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स, या आपके समर्थन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्यौरावार आप उसमें डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 करके। उसके बाद 6 नंबर में भरना पड़ता है क्या परिवाद पहले भी लिया गया था, हाँ या ना में जवाब देना है। अगर आप लोग परिवाद पहले किए होंगे तो उसको हाँ देना है, जो पहली बार कर रहे हैं उसे नहीं भरना है। उसी में अगर परिवाद पहले दर्ज किया गया था तो संबंधित पदाधिकारी और विभाग का नाम उसमें भरना पड़ता है, अगर नहीं किए हैं तो कॉलम खाली रह जाएगा, उसमें नहीं भर देंगे। आगे अब हम 7 नंबर की बात करते हैं, इसमें भरना पड़ता है कि पहले यदि परिवार दर्ज किया गया था तो उसका जो जवाब प्राप्त है तो उसके लिए हाँ लिखेंगे, अगर नहीं कोई जवाब प्राप्त है तो नहीं लिखेंगे। इस प्रकार हम लोग उसमें अपना ब्यौरावार देंगे कि अगर कोई आदेश पारित हुआ है तो उसमें लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा क्या आदेश पारित हुआ, उस जवाब में जो संक्षिप्त मूल बिंदु है उसको भरकर आप डालेंगे, या लंबा यदि हो आदेश तो उसका फोटोकॉपी अलग से आप लगा सकते हैं उसमें। 8 नंबर में भरना पड़ता है कोई अन्य सूचना जिसका आवेदन में उल्लेख करना चाहें, अगर परिवाद से संबंधित और कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं या उस पदाधिकारी या कार्यालय की कोई अन्य सूचना है जिसको आप साक्ष्य के रूप में लगा सकते हैं उसका वर्णन आप कर दें, उसके बाद अपना हस्ताक्षर कर दें, उसके बाद अपना तिथि डाल दें जिस दिन आप परिवाद दर्ज कर रहे हैं। अब यह हम लोगों का प्रपत्र 1 पूरा भरा जा चुका है, अब इसे हम लोक शिकायत निवारण केंद्र पर भरकर डाल सकते हैं, या आप रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, या आप पटना के ईमेल नंबर पर इसको ईमेल कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन आवेदन भी PDF बनाकर आप डाल सकते हैं। इस तरह हम लोग एक शिकायत फॉर्म भरने के लिए हम लोग लगभग सीख चुके हैं। आशा है मुझे अब आप लोग सभी समझ गए होंगे कैसे हम लोग आवेदन अपने का भरना है और कैसे उसको शिकायत भेज देना है। पहला है आप शिकायत केंद्र पर जाकर शिकायत कर सकते हैं निःशुल्क, दूसरा है रजिस्ट्री डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, तीसरा है आप ईमेल के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, चौथा है कि आप ऑनलाइन आवेदन PDF बनाकर खुद से मोबाइल से भी कर सकते हैं या इंटरनेट कैफ़े या CSC केंद्र जाकर भी आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि किन किन सेवाओं की शिकायत यहाँ दर्ज की जा सकती है, इस संबंध में मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि किसी भी कार्यालय बिहार में लोक सेवा के अंतर्गत जो कार्यालय हैं उसकी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं, चाहे वह कृषि विभाग का बात हो, चाहे वह सहकारिता विभाग की बात हो, चाहे वह FIR दर्ज से संबंधित हो, चाहे वह कोई अन्य कार्यालय से संबंधित हो, अनुमंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो या उच्च पदाधिकारी का भी अगर शिकायत हो तो उसकी भी शिकायत हम लोग दर्ज करवा सकते हैं।
खासकर हम लोग जब बिहार सरकार के कार्यालयों में अपने बात के निवारण हेतु या किसी काम से जाते हैं तो अक्सर रुपया नहीं देने पर उसके साथ व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता, डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। इसकी भी शिकायत आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। यदि डांट फटकार की या किसी अन्य दुर्व्यवहार का अगर वीडियो आपके पास हो या ऑडियो हो तो उसको आप सीडी के रूप में डालकर आप वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ने में एकजुट होकर इसकी शिकायत की जा सकती है, इसलिए इसका लाभ हम लोगों को अवश्य लेना चाहिए। जय हिंद।